हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल कप्स एंड बिन्स में। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इंडोर प्लांट का सॉयल मिक्सचर कैसे तैयार करना है, स्नेक प्लांट को जिसको कि मदर इन लॉज टंग से भी जाना जाता है उसको कैसे रिपॉट करना है, कैसे केयर करना है और भी बहुत कुछ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, ये स्नेक प्लांट टॉप एयर प्यूरिफायर प्लांट के श्रेणी में आता है क्योंकि घर के अंदर के हवा में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको ये रिमूव करने में हेल्प करता है। ये प्लांट बहुत ही इजी टू मेंटेन प्लांट है और हार्डर टू किल प्लांट है। और ये जो प्लांट है ये बहुत ही स्लो ग्रो करता है, समर और स्प्रिंग में इसका ग्रोथ ज़्यादा होता है। नर्सरी में बारिश के कारण इस प्लांट के कुछ पत्ते खराब हो गए हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब हम देख लेते हैं कि इस प्लांट के लिए या इंडोर प्लांट्स के लिए हम किस तरह का सॉयल मिक्सचर तैयार करेंगे। कोई भी इंडोर प्लांट हो उसका सॉयल मिक्सचर हमेशा एकदम वेल ड्रेंड होना चाहिए। तो मैंने यहाँ गार्डन सॉयल लिया है लगभग 30-40% के करीब, काउडंग कंपोस्ट लिया है 30-40% के करीब। काउडंग कंपोस्ट जितना भी पुराना होगा उतना ही अच्छा होगा। इसके अलावा लिया है सैंड या बजरी और ये भी मैंने लिया है 20-30% के करीब। और इसके अलावा मैंने लिया है कोकोपीट जो है 20-30% के करीब। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप एक भाग गार्डन सॉयल, एक भाग कंपोस्ट और एक भाग रेत ले सकते हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ लिया है नीम खली और ये है बोन मिल, जिसे आप 2-3 चम्मच इसका भी आप इस्तेमाल करें। तो इस तरह से सभी चीज़ों को मिलाकर सॉयल मिक्सचर तैयार करना है। इस तरह सॉयल मिक्सचर तैयार करने से फंगल इन्फेक्शन और रूट रॉट होने की जो संभावना होती है वह काफ़ी कम हो जाती है। अब तो चलिए अब सारे चीज़ों को एक साथ मिला लेते हैं। दोस्तों, स्नेक प्लांट में पानी डालते समय एक बात का ख्याल रखें कि पानी आप तभी स्नेक प्लांट में दें जब कि पॉट का जो मिट्टी है वह लगभग उसका ऊपरी सतह जो है 70-80% तक एकदम सूख गया हो। मैंने यहाँ लगभग एक मुट्ठी के करीब नीम खली मिला लिया और साथ ही साथ 2-3 चम्मच ये बोन मिल भी मिला लिया। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेते हैं और पॉट में डाल देते हैं। स्नेक प्लांट को ब्राइट लाइट में रखिए ताकि इसका ग्रोथ अच्छी हो। जनरली इसका ग्रोथ जो है वह समर और स्प्रिंग के सीजन में ही होता है। अगर स्नेक प्लांट को प्रॉपर ह्यूमिडिटी, सनलाइट और पानी मिले तो स्प्रिंग में इसमें फ्लावर्स भी आते हैं। मैंने पॉट के होल के ऊपर गमले के टुकड़े डाल दिए हैं और फिर उसमें छोटे छोटे पत्थर डाल दिए हैं। अब सॉयल मिक्सचर को पॉट में डालते हैं। लगभग आधा भर जाने के बाद प्लांट को हम रिपॉट कर देंगे। प्लांट के मदर सॉइल को जितना हो सके निकाल देंगे और इस बात का ख्याल रखें कि रूट्स डैमेज ना हो। अब इस स्नेक प्लांट को पॉट के बीचों बीच बैठा लेते हैं और उसे फिर पूरे मिट्टी से भर देते हैं। ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, इसे आप साल में 3-4 बार ही फर्टिलाइज़र दें। एक इंसेक्ट या कीड़े मकोड़े की बात है तो इसमें ना के बराबर ही कीड़े लगते हैं, फिर भी स्नेक प्लांट में जनरली स्पाइडर माइट्स, एफिड्स, मिली बग्स एंड वाइट फ्लाइज जो है ये कॉमन स्नेक प्लांट के पेस्ट्स हैं। अगर आप अपने प्लांट को हेल्दी रखते हैं तो पेस्ट अटैक ना के बराबर ही होता है, लेकिन फिर भी अगर आप नोटिस कर रहे हैं किसी भी तरह के बग्स का तो आप प्लांट में नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा प्लांट रिपॉट हो गया। और चलिए अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। दोस्तों, पानी पहली बार आप इसमें पूरे अच्छे तरीके से डालें ताकि मिट्टी नीचे तक अच्छे से भींग जाए। स्नेक प्लांट को सीड से भी ग्रो किया जा सकता है, इसके अलावा लीफ कटिंग से भी इसको प्रोपागेट किया जाता है और इसमें न्यू पफ्स निकलते रहते हैं जिसको आप अलग करके नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ इस प्लांट में एक छोटा पफ निकला हुआ था जिसे मैंने अलग कर दिया है और उसे दूसरे पॉट में रिपॉट कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आप
भी अपने स्नेक प्लांट को प्रॉपर ह्यूमिडिटी, सनलाइट और वाटर देते हैं तो सालों साल ये प्लांट आपके साथ रहेगा और आपके आसपास के हवा को क्लीन करता रहेगा। तो आप भी इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।